बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं अपने शेयर करूँगी आप लोग के साथ, आज मैंने बेकिंग जो की थी उसके साथ तमाम मैं शेयर करूँगी रेसिपी। और यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले जो है मैं अपनी वीडियो में जो स्टार्ट करने लगी हूँ, तो ये निहारी बनानी थी, जो उसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज़ों को फ्राई किया और फिर उसके बाद गोश्त को फ्राई किया और फिर उसके बाद निहारी शोशे जो था ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसको अच्छा से गला लेने अपने बोटियों को। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरी पहले भी चैनल पर है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो थोड़ी सी ब्रेड बची हुई थी, तो उसको मैंने ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए, तो ये पहले ही तवे पे थोड़ी सी रोस्ट कर ली थी। अब इसको मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ, हाथ से ही कर रही थी थोड़ा सा। ये इसमें मैं ग्राइंड तो की है मैंने थोड़ी सी, लेकिन अभी भी रह गई थी, तो फिर ये इनको ये बना कर ब्रेड क्रम बना कर रखी है मैंने। और यहाँ पर जो है ये निहारी बनाते हुए जो फिर जो किचन कॉर्नर जो है मेरा ना बहुत अच्छा लग रहा था। है तो मेरा किचन छोटा सा, लेकिन ये कि ये कैंडल्स लगने से बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही थी किचन की। तो आज मैं जो है अपनी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी बेकिंग की तमाम रेसिपीज़, और ये मायनीज़ वगैरह, और जो है ना ये सॉस वगैरह जो थी ना आनी थी, रेड चिली सॉस और ये तमाम चीज़ें हस्बैंड ने ला के दी। बेकिंग की काफ़ी सी रेसिपीज़ मैंने बनाई थी, तो मैंने कचौरी समोसे और जो है पेस्ट्री वगैरह, पेस्ट्री कह रही हूँ सॉरी, जितनी भी बेकिंग की चीज़ें थी वो मैंने बना ली। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये साथ साथ मैंने ये काम भी किए हैं, और साथ साथ जो है फिर वो जो बेकिंग की जो चीज़ें थी ना वो मैंने एक दिन पहले बनाई थी, उसकी वीडियोस भी आगे मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अफ्तार से पहले तैयार की जाएँ तो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, ये मैंने बेक करके कह रही हूँ सॉरी, बना के रख दी थी और फिर यह है कि फ्रीज़ की हुई थी, तो निकालती रही हूँ और बनाती रही हूँ। अच्छा, ये तमाम क्लिप्स जो है ना मेरे उसके वन वीक हो गया। मैं रोज़ाना डेली सोच रही थी कि आज एडिटिंग करूँ, लेकिन नहीं टाइम मिल रहा था, तो बीच में क्योंकि कपड़े धोने के लिए मैं पर्दे वगैरह भी धोए हैं, तो साथ साथ ईद की अब तैयारियाँ भी चल रही हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने अच्छी तरह गोश्त को गला लिया था, और फिर उसके बाद जो है ना ये मैंने इसमें शाशे डाल दिया था। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे पे चैनल पे है, आप उधर से ही इसको फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे साथ साथ मैं जो है ना आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो ये फिलिंग बना के रखी हुई थी रोज़ों की प्रिपरेशन जो थी ना, मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं बना के आप इसको पराठों में भी यूज़ कर सकती हैं फिलिंग को, और आप पेस्ट्री वगैरह या कचौरी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और फिर इसमें अंडा ऐड किया है, और इसमें नमक, और नमक जो है उसमें समोसों की डो में यूज़ होगा। और यहाँ पे जो है मैंने ये बनाना था पिज़्ज़ा की डो बनानी थी, और यहाँ पे मैंने बनाने थे चीज़ी बंस, तो उसके लिए मैंने इसमें डो इस्तेमाल की है। इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है, अंडा डाला है, मक्खन डाला है, और थोड़ा सा इसमें नमक और चीनी डलेगी और दूध डलेगा। तो ये ब्रेड इसकी जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, बंस की जैसे ब्रेड सॉफ्ट होती है ना, उस तरीके से इसकी फिलिंग हो, इस तरीके से इसका की डो बनेगी। यहाँ पे इसको मैंने अच्छा सा मिक्सअप किया इसकी डो को, और इसको राइज होने के लिए रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये खमीर हो जाए थोड़ा सा। इसकी जितना ये खमीर होगा ना उतनी इसकी जो है ना अच्छी बनेगी ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो है डो बना ली थी। अच्छा, इसमें जो है ना ईस्ट जो है ना गर्मी में ख़राब हो जाती है, उसको अपने सेव करने के लिए इसको जो है रेफ्रिजरेटर में आप इसको सेव कर लिया कीजिए, जो इसकी बाकी बच जाती है ना ईस्ट, उसको आप फ्रिज में रख के सेव कर सकते हैं, वरना इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ इसको मैंने थोड़ी देर इसको भिगो के रख लिया था, और फिर उसके बाद एंड पे जो है ना थोड़ा सा इसको मैंने एंड में मिक्सअप किया था। और इसके बाद जो है मैंने ये बनाई थी समोसों के लिए तमाम फिलिंग, और इसमें आपने मैदे को छान लेना है, और इसमें नमक और घी एक कप डालकर, और इसका ये इजी है, इसकी कोई डो मुश्किल नहीं है, समोसों के लिए आप बना सकते हैं और पेस्ट्रियों के लिए यही डो यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब इसको बना लिया था, और फिर इसके एक बड़ा सा रोल बनाकर, और इसको जो है ना रोटी बड़ी सी चपाती बनाकर उसको मैं कॉर्नफ्लोर लगाती रही हूँ मैं। आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर को घी में मिक्स करके, और जो है इसकी जब हम डो बनाने लगेंगे तो लेयर बाय लेयर वो मेरे से मिक्स हो, थोड़ा सा नी क्लिप मैं रिकॉर्ड कर सकी, उस पर आपने ये कॉर्नफ्लोर और घी को जो है मेल्ट करके रख लेना है ओवन में, रख कर आपने इसको मेल्ट कर लेना, और फिर इसमें लेयर्स लगा बना लेनी है। फिर उसके बाद जो है ना आपने
इसको फोल्ड करना है, और फिर देखे आपने मैं नाइफ से काट रही हूँ उसको, तो वैसे काट कर छोटे छोटे पेड़े बना लेने, और फिर उसमें जो है ना मैंने ये फीलिंग रख ली थी, तमाम वर्ड्स पर चीज़ रख ली थी, और साथ पे ये हमारी, तो ये इसको अपनी चीज़ी बंस ब्रेड जो है ना हमारी तैयार है, और इसको आपने ऐसे फोल्ड करनी है, और थोड़ी सी ये अच्छा ये क्लिप जो है ना ये कचौरियों का है, इसमें मैंने कचौरियों के लिए भी कुछ बना ली थी ऐसे ही, उसी तरीके से बनेगी कुछ कचौरियाँ भी, जो बस उसमें आपने नमक डालना है, और उसमें जो है ना आपने जो है ईस्ट डालनी है चीज़ी बंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने जो है कुछ बना रही थी, तो ये मैंने कुछ मुख्तलिफ शेप्स में आप बना के रख सकती हैं आप, और चीज़ी बंस जो है ना उसकी शेप आप बना सकते हैं, क्योंकि कचौरी की जो है ना वो एक ही शेप बनती है। अच्छा, यहाँ पे चीज़ी बंस जो है ना मैंने ऐसे बना कर उस पर अंडा लगा कर फिर इसको बेकिंग कर ली थी, इसको मैंने ओवन में नहीं किया था, क्योंकि ओवन में काफ़ी जो है ना जल जाते हैं, तो मैं जो है ना ये बंस जो है ना बनाती हूँ इसको स्टीम पे ही। तो यहाँ पे मैंने अंडा लगा कर इसको बिल्कुल, अंडा लगाने के बाद और इस पे मैंने ये डाल दिए थे वाइट सीड, और तिल डाल दिए थे वाइट वाले, और इसमें कलौंजी डाल दी थी ब्लैक जो है, और इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि अंडा लगा कर और फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ें स्प्रेड करनी है, तो ये थोड़ा सा इस पे चिपक जाएंगी और ज़्यादा नहीं गिरेंगी। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल शेप इसकी बिल्कुल तैयार है, तो इसको मैंने और मज़ीद और कलर देने के लिए इसको पलट दिया था, और बहुत मज़े के और बहुत अच्छे बंस भी तैयार हो गए थे। सिर्फ बस मैंने आज ये बनाए थे, लेकिन कचौरियाँ और समोसे वगैरह जो थे ना मैंने वो तैयार करके रख लिए थे, ताकि मैं अब रोज़ाना 1 वीक तो ये यूज़ करूँ ना बेकिंग की चीज़ें जो थी, और फिर ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए, बस इतनी हो कि भाई बंदा सेहत के लिए भी नुकसान ना देना हो। तो फिर मैंने इसमें बस ये फिलिंग ऐसे रखती रही हूँ, बना कर रखने का से मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मुझे जो है ना बेकिंग की चीज़ों के लिए फिलिंग को तैयार नहीं करना पड़ा, और मैंने इसमें ये चीज़ वगैरह रखी है, और समोसों में भी आप रख सकती हैं, रख सकती हैं, और जो है आप वो मैंने जो फिलिंग थी ना समोसों की वो आलू में की बनाई है, और ये फिलिंग अच्छा यहाँ पे जो कुछ पेटीज मैंने बना कर रखे थे, तो वो इसकी फिलिंग भी वैसे ही है जैसे हमने कचौरी में फिलिंग की है, ऐसी इसकी फिलिंग होगी, सिर्फ इसी की एक जो ब्रेड हमारी हम बनाते हैं ना वो आपने इसमें कॉर्न और घी तमाम और कॉर्न काम किया फ्लोर था, लगा कर उसको पीस तो दिए शायद आप लोगों को बनाने समझ में। है, लेकिन मैंने अपनी जो है ना चैनल पे इसकी रेसिपीज अलग से भी शेयर की हुई है, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को और मेरे घर को अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, और मेरी वीडियो को अपने लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, और ये बहुत मज़े के बन गए थे, और बच्चों ने और हस्बैंड ने भी तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छे बन गए, फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे तो इतने मज़े के नहीं बने थे, लेकिन अब जो है ना सेकेंड टाइम पर बहुत अच्छी बेकिंग हो गई थी। अच्छा यहाँ पे जो है सामान लगाया था फिर, अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं आगे क्लिप्स लगा रही हूँ, एक चैनल है मीमी फाइजी विलोग है, मीमी विलो फाइजी विलोग है, और चैनल भी है, और ये रिव्यू वगैरह का भी करती हैं काम, इंस्टाग्राम पे रिव्यू वगैरह देती हैं प्रोडक्ट्स का, तो इनकी आपने इनके चैनल को भी आपने वॉच करना है, और इंस्टाग्राम पेज को भी आपने, और टिकटॉक पेज को भी ज़रूर फॉलो करना है, और बाकी अब मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ, अल्लाह के अल्लाह पाक आप लोगों को और मेरे घर को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और मेरी वीडियो को आपने लाइक सब्सक्राइब करके आगे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना है, ठीक है, और जो ये पेज मैं लगा रही हूँ तो आपने ज़रूर फॉलो करनी है, ठीक है। इस चैनल का जो है ना लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप लोगों ने ज़रूर इनकी यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करना है, और इंस्टाग्राम के पेज को भी, और टिकटॉक पेज को भी ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। बहुत अच्छी व्लॉग्स बनाती हैं ये, और बहुत अच्छी रिव्यूज़ वगैरह इंस्टा पर दे रही हैं आजकल, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। Check this.